सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ओवरलीफ। ओके, सो जो ओवरलीफ होता है ये बेसिकली हम लोग जब भी कोई रिसर्च पेपर या कोई भी हम डॉक्यूमेंट जो हम एमएस वर्ड से कर सकते हैं वही हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर लेटेक्स के अंदर ये होता है कि उसको एडिट वगैरह करने में बहुत इजीनेस होती है, और आप जब पेपर्स वगैरह बनाते हैं तो हमने बहुत बार ये देखा हुआ है कि प्रत्येक प्रकार के जो भी जर्नल्स रहते हैं उनके अलग-अलग फॉर्मेट्स रहते हैं। तो हमको एक बार हमने रिसर्च पेपर बना लिया, फिर हम किसी और पर्टिकुलर एम करके मान के चलिए आप एल्सवेयर में डाल रहे हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, और वहीं आप किसी और में डालेंगे तो उनका अलग है, तो हमको फॉर्मेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स रहती है ये कहीं हद तक हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर से बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उस पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं। और नो डाउट कि जैसा आप दूसरे अगर जर्नल में डाल रहे तो भी इसके अंदर भी आपको पर्टिकुलर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये लेटेक्स का ऑनलाइन टूल होता है जिसको हम ओवरलीफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये इसका जैसे आप यहाँ पे है ना overleaf.com लिखेंगे तो दिस वुड बी द फर्स्ट पेज दैट वुड बी कमिंग। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसमें लॉग इन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सम बेसिक आपके जो भी इंफॉर्मेशन लेके एक आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं उसी से यहाँ पे तुरंत लॉग इन कर दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा इंटरफेस। सबसे पहले हम जाएंगे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे हम ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ माय फर्स्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहें। कुछ इस प्रकार से दिखता है तब हमारा इंटरफेस, जैसे हमने अपना क्रिएट किया डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्लास जिसे आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल बता रहा है, यूसेज पैकेज यहाँ पे ग्राफिक्स लिख रहा है, माय फर्स्ट नेम आर्टिकल है, मतलब टाइटल जो है माय फर्स्ट आर्टिकल है, ऑथर नेम मेरा है रितु क्यार, उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है, डेट आज की ले ली है उसने नवंबर 2024, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं। फिर बिगिन द डॉक्यूमेंट, मेक द टाइटल, सेलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, इस प्रकार से दिखता है हमारा ये पूरा इंटरफेस। ओके, तो सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहूँ है ना, तो मैंने यहाँ जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे को यहाँ पे आज की डेट डालनी है, यानी कि 3 नवंबर लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 3 नवंबर यहाँ पे इनपुट करूँगी और रिकम्पाइल करूँगी तो यहाँ पे आएगा वो 3 नवंबर 2024। मतलब जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ वो मुझे आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या रहता है, ये जो रहता है ये तो आप कर सकते हैं चेंजेस, और यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होता है, बिगिन और डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मेक टाइटल देन सेक्शन इंट्रोडक्शन, तो जैसे हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन किया तो मुझे यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, और इसके बाद अगर मेरे को सबसेक्शन करना है तो मैं वो भी लिख सकती हूँ, वो ऐसे आएगा। सबसेक्शन ये अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। मान के चलिए सबसेक्शन में मुझे लिखना है एब्स्ट्रैक्ट लिखना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्चुअली सबसेक्शन तो एब्स्ट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, और पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे कोई भी रिसर्च पेपर में, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं फिर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है उसका, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी आप जैसे सबसेक्शन में आपको फॉर इंस्टेंस अगर मैं
ही विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मेरे को इंट्रोडक्शन में उसके बारे में पता बताना है कि क्या है सोलर प्लांट और क्या है विंड पावर प्लांट, तो मैं उसको इंट्रोडक्शन में दे दूंगी। सब सब सेक्शंस में मैं पीवी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। और नेक्स्ट सब सेक्शन में मैं सोलर के पीवी हो गया, नेक्स्ट में मैं सब सेक्शन में मैं विंड सिस्टम के बारे में बता दूंगी। अब ये कैसे दिख रहा है, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। और मेरा राइट हैंड साइड है ना, पहले एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है इंट्रोडक्शन पीवी सिस्टम्स, और मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर आ रहा है पीवी सिस्टम्स और सब विंड सिस्टम्स, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कुछ भी कंटेंट लिखना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, कि इन दिस पेपर यू विल गेट अ डिटेल्ड इनसाइट अबाउट विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स। ओके, जस्ट ऐसे ही मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। रिकम्पाइल करेंगे, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बारे में, हम इंट्रोडक्शन में भी ऐसे ही कुछ पार्ट्स लिख देंगे, जैसे कि आई हैव टू राइट कि विथ द इंक्रीजिंग ऑफ ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, तो रिकम्पाइल करेंगे, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। वैसे ही आप पीवी के बारे में कुछ जो भी आपको है वो आप लिख देंगे, पीवी सिस्टम्स के बारे में, विंड सिस्टम्स के बारे में, हमको जो भी लिखना है हम टाइप्स, है ना। अब अगर जैसे विंड सिस्टम है, अब विंड सिस्टम के अंदर फॉर इंस्टेंस मुझे इसके अंदर बताना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द विंड सिस्टम, है ना, कि तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूंगी सब सब सिस्टम सब सब सेक्शन। ओके, फॉर इंस्टेंस आई हैव टू राइट द TYPS टाइप्स ऑफ विंड मतलब कि जैसे हमको हॉरिजॉन्टल है ना विंड टर्बाइन्स के बारे में बात करनी है, वर्टिकल विंड टर्बाइन्स के बारे में बात करनी है, तो हम सबसे सब सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, सब सब सेक्शंस में, ठीक है। तो ये देख लीजिए कैसे दिखेगा, वो कंपाइल कर देंगे हम, ये देखिए 2.2.1, ओके ऐसा। तो ये एक छोटा सा बस आपको ब्रीफ बताना था मेरे को कि हम लोग जो भी हमारा लेटेक्स पे आपको जो भी फाइंड आउट मतलब जो भी आपको पेपर लिखना है वो आप बहुत आसानी से ऑन टू दी विद दी हेल्प ऑफ द ओवरलीफ आप लिख सकते हैं। ये दिख रहा है हमको, ये फाइल के जो आउटलाइन है वो दिख रहा है हम लोगों ने, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रो, इसको आप कर सकते हैं, इधर से भी अच्छे से दिख जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन पीवी सिस्टम विंड सिस्टम टाइप्स ऑफ द विंड सिस्टम, ठीक है। ये पूरी चीज हमको इसमें दिखेगी। ओके, नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम और डिटेल में जाएंगे कि हम ओवरलीफ में और कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।